ये साक्ष्य चाहिए कि कर्ण श्रेष्ठ क्यों है। मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाता हूं, कदाचित उसके पश्चात तुम्हें विश्वास हो जाए। मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं माता। उन दो पर्वतों को देख सकते हो पार्थ? पर्वत? हाँ पार्थ, अब ये दोनों पर्वत स्वर्ण में परिवर्तित हो चुके हैं। कि इन दोनों स्वर्ण पर्वतों पर तुम्हारा अधिकार है, और मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को समान मात्रा में बांटकर इन ग्रामवासियों में दान कर दो। ग्रामवासियों, मैं पांडु पुत्र अर्जुन ये घोषणा करता हूं, ये दोनों स्वर्ण मेरु समान मात्रा में विभाजित करके आप सबको दान में दिए जाएंगे, और विश्वास रखिए सबको समान मात्रा में स्वर्ण मिलेगा। पांडु पुत्र अर्जुन के, पांडु पुत्र अर्जुन के, पांडु पुत्र अर्जुन के। ये लोग तो पहले भी अपने भाग का स्वर्ण ले चुके हैं। रुक जाइए, थोड़ा विश्राम करते हैं, कुछ समय पश्चात पुनः प्रारंभ करें। आपकी ये परीक्षा कब समाप्त होगी? अभी तक तो मैं आधा पर्वत भी नहीं बांट पाया और थकान सा अनुभव कर रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ माता, परंतु अभी तक मुझे आपकी इस परीक्षा में आपका उद्देश्य समझ नहीं आया। ठीक है पार, मैं तुम्हें अपना उद्देश्य बताता हूँ। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण। आदेश कीजिए कि कैसे आपने मुझे स्मरण किया। मित्र, एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए मुझे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे अतिरिक्त इस कार्य को और अधिक उत्कृष्टता से कोई नहीं कर सकता। वो तो स्वर्ण पर्वत देख सकते हो मित्र। अब इन स्वर्ण पर्वतों पर तुम्हारा अधिकार है, और मैं चाहता हूं कि इन स्वर्ण पर्वतों को तुम समान मात्रा में बांटकर इन ग्रामवासियों में दान कर दो। जो आदेश वासुदेव। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि ये दोनों स्वर्ण पर्वत अब आपके अधीन है। आप सब जाकर इस सारे स्वर्ण को आपस में समान भाग में बांट लें। तुम्हें ये स्वर्ण इन ग्रामवासियों में बांटना था, परंतु तुम भी इन ग्रामवासियों की भांति ही स्वर्ण के प्रति आकर्षित हुए। का ज्ञात नहीं था कि किसको कितनी आवश्यकता है, और कर्ण के मन में इस स्वर्ण को लेकर कोई आकर्षण, कोई लालच नहीं था पार। जिस पर दान करने का उत्तरदायित्व, उसके मन में वस्तु के प्रति लोभ नहीं होना चाहिए। हमारे मन में ये इच्छा कि तुम्हारा न्याय पूर्वक ये स्वर्ण दान करने के लिए ये लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, और कर्ण के मन केवल कर्म करने की इच्छा थी पार। एक समय था पार कि तुम केवल चिड़िया की आंख को देखते थे, परंतु आज तुमने केवल चिड़िया की आंख को नहीं, पूरी चिड़िया को देखा।